वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। और आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक फेस पैक, जिसके लिए आपको चाहिए होगा आटा, दही, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल, किसी भी ब्रांड का या फिर नेचुरल। तो एक बोल में इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लीजिए और इसका एक पैक रेडी कर लीजिए। आटा 1 टेबल स्पून, आटे में होता है अल्फा ब्यूटीन जो स्किन वाइटनिंग का काम करता है। इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में ह्यूमेक्टेंट है जो स्किन की वाइटनिंग में काम करता है, दाग धब्बों को हटाता है, स्किन को डीपली हाइड्रेट और नॉरिश करता है। जाएगा एलोवेरा जेल 1/2 टेबल स्पून जो स्किन वाइटनिंग में भी काम करता है, दाग धब्बे पिंपल्स को भी हटाता है और स्किन को हाइड्रेट करता है। फिर इसमें जाएगा दही 1 टेबल स्पून, दही में होता है लैक्टिक एसिड जो स्किन वाइटनिंग का काम करता है, स्किन में से दाग धब्बे पिंपल्स को भी हटाता है और साथ ही साथ स्किन को टाइट बनाता है, फर्म बनाता है और यूथफुल बनाता है। तो अगर आपकी किसी भी स्किन टाइप है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपकी ड्राई, कॉम्बिनेशन, ऑयली, सेंसिटिव, कोई भी स्किन टाइप है आप इसे यूज़ कर सकते हो। वो काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना, एप्लीकेशन तो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अब ये फेस पैक रेडी हो चुका है, अब बताते हैं इसका एप्लीकेशन। तो इसका एप्लीकेशन बड़ा ही सिंपल है, फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। वेट करें करीबन 10 से 15 मिनट के लिए या फिर 15 से 20 मिनट के लिए और फिर इसे अपने फेस से हटा के नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और फिर टोनर और मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। आप इसे रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वीक में 1 to 2 times। ये फेस मास्क है, फेस पैक नहीं है। हम किसी वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि फेस पैक और फेस मास्क में क्या डिफरेंस होता है, तो उसके लिए भी हम जल्दी वीडियो लेके आएंगे। फ़िलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।